हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एंड गाइस, जब से ये मैंने लिया है ना, आई थिंक पाँच साल से भी शायद ज़्यादा हो चुके हैं इसके, आज तक मैंने कोई सर्विसिंग वगैरह नहीं की है। इवन ये बेचारा मिट्टी में रहता है, आज ही इसको बाई चांस थोड़ा सा साफ किया है। सो आज गाइस मेरा प्लान ये है कि इसको खोला जाए एंड इसका जो ऑयल है वो चेंज करते हैं। मुझे पता है ऑयल बेसिकली काइंड ऑफ हाल ग्रीस वाला ही हुआ, क्योंकि मैंने इसको अच्छा खासा यूज़ किया है ओवर द ईयर्स, काफ़ी कार्स वॉश की हैं एंड आप लोगों ने देखा ये रिव्यू। एंड आप लोग हमेशा इसको देखते हो जब मैं कोई कार वॉश का या फोम वॉश का वीडियो डालता हूँ। सो प्रॉब्लम टचवुड मुझे कोई भी नहीं आई है, पानी का फ्लो ठीक होता है। मतलब मैं एक्चुअली इसमें बाल्टी से भी हम चला सकते हैं और डायरेक्ट पाइप से चला सकते हैं, तो बाल्टी से हल्का सा प्रेशर डाउन आता है, लेकिन जब भी पाइप चल रही होती है ना डायरेक्ट टैप से, तो एकदम बढ़िया प्रेशर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। सो इसका जो प्रोसेस है ऑयल चेंज करने का वो इतना सिंपल तो नहीं है, काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। सो आई एम गोना टेक माई टाइम। सो मैंने आज वही दिन सेलेक्ट किया जब मेरे पास थोड़ा टाइम है, सो एक से दो घंटे इसमें लग सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मैं आपको बताता हूँ जितना मैं इसे देख पाऊंगा, जितना मैं समझ पाऊंगा। एंड खोलने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। खोलना डब्बा तो खोलना इजी है, मेन जो अंदर मोटर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो व्हाट आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट फोक्स, ये गाइस इसका फ्रंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मेन जो सारे स्क्रूज आप इसके देखोगे, 1, 2, 3, 4 एंड 2 यहाँ पर हैं इनके अंदर, तो टोटल 6 स्क्रूज हैं बेसिकली इसके अंदर। एंड ये हैं स्टार शेप्ड, आप लोगों को नोटिस कर रहा हूँ स्टार शेप्ड है। मैं अपना स्क्रू ड्राइवर ले आया हूँ, बेसिकली एक सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर ले आया हूँ, जिससे कि इसके अंदर बाहर कोई काम करने में प्रॉब्लम ना हो। सो ये T25 जो अपना स्टार शेप वाला होता है ना, वो इसमें इजीली फिट होता है एंड वो सारा कुछ खोल लेता है। सो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। आप नोटिस करो ये इस टाइप का स्क्रूज है, काफ़ी गंदी हालत में हो चुके हैं बेचारे। एंड अभी मैंने ये हटाया तो हैंडल इसका इजीली ऐसे पॉप आउट हो जाएगा। सो हैंडल हमारा बाहर आ गया, ये जस्ट हैंडल के लिए 2 स्क्रूज थे। एंड ऑब्वियसली बात है इसके बिना ये खुलने नहीं वाला। सो अब बाकियों का मैं ये 4 खोलते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और ये फोक्स, तो जितने स्क्रूज मुझे नज़र आ रहे थे वो मैंने खोल दिए हैं इसके अंदर, यहाँ के सारे हो गए चारों के चारों। एंड इवन यहाँ का भी, यहाँ का बेसिकली है नहीं, ये जो गन को होल्ड करने के लिए मुझे लगा इसके नीचे भी स्क्रू होगा, क्योंकि इसकी वजह से शायद ये आ नहीं रहा। सो एक बार ट्राई करें, तो यहीं पे अटक रहा है, इसी पर्टिकुलर स्पॉट पे ये थोड़ा सा अटक रहा है, बाकी सारे स्पॉट से फ्री है। सो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ खोलनी कैसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है चिपकाई हुई है, ये देखो। सो पुल करके देखें तो पुल कुछ इस तरीके से ये हो रहा है ऐसे एंड ऐसे। सो मुझे इस बात का ही डर है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, है ना। ख़राब हो गई तो फिर हमारे फ़ायदा नहीं है ना किसी भी चीज़ का। सो ये है अंदर के इसकी सारा कुछ एंड मोटर बाहर निकल रही है, इसको ऐसे रखते हैं। ये गाइस मुझे चिपका है वही लग रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे चीज़ ही नहीं है। एंड अंदर अंदर से भी देखने की कोशिश करूँ तो अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। चिपकाया क्यों हुआ है, आई रियली हैव नो आइडिया वाई दे स्क्रू लगा देते एक, एंड अंदर काफ़ी गंदगी है इसकी। सो ऑयल बेसिकली इस पर्टिकुलर जगह में डलना है, आपको दिखाऊं, इस पर्टिकुलर जगह में डलना है, इस जगह पे डलना है, तो हमें ये एरिया भी खोलना पड़ेगा। सो इस एरिया के लिए अगर मैं मोटर को बाहर निकालने के लिए ये कुछ क्लिप्स हैं तो ये कवर निकल जाएगा, बट मैं ये चाह रहा था कि ये भी अगर निकल जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। अच्छा क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स के अंदर घुसा हुआ था पुल। सो चलो अपना काम हो गया, अब ये चीज़ बाहर आ गई है। सो अब हमको ये कवर हटाना है, इस कवर को हटाने के लिए कुछ पुश क्लिप्स हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके आ जाना चाहिए इसको। अगर दोनों साइड पे मैं ध्यान से देखूंगा, क्योंकि ये काम फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आई डोंट वॉन्ट इट टू ब्रेक, राइट। ऑयल फोक्स, ये मोटर मैंने बाहर निकाल लिया है, अभी कवर इसका खोला नहीं, उसका रीज़न है आराम से निकालने का, इसका सबसे बढ़िया तरीका है। ये जो आइटम है ना, ये वाली आइटम बेसिकली जो इसका जहाँ पे पाइप लगती है, ये यहाँ पे लगी होती है इस पर्टिकुलर जगह पे, जैसे इसका कवर निकालोगे तो ये वहाँ से स्लाइड हो जाएगा बॉडी में से। सो बस इतना ही काम था इसका। सो ये है कवर, बाद में लगा देंगे इसको। एंड अभी इसको कुछ इस तरह से रखते हैं। एंड ये चीज़ भी मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसे ना निकाला जाए। कहते तो हैं कि ये ऐसे ही लगा होता है, तो ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो आ जाएगा, बट आई एम नॉट टू श्योर। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसे साफ़ करते हैं एंड इसको ऐसे लगे लगे कि अंदर ही ये सारा काम, जब पॉसिबल है ये एरिया खुलना, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। एंड इसका सही है, बैलेंस भी है, तो ये खड़ी भी हो रही है अपने आप। सो थोड़ा सा क्लॉथ लेते हैं यहाँ पे गीला, एंड इसकी साफ़ सफाई ज़रा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गंदा तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रखा है।
तो जितना ही क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा ऑयल इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे। ऑयल आप गाइस कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो जो मैंने वीडियो में देखा था तो उन्होंने कोई कार इंजन ऑयल ही डाला था, तो मेरे पास कोई कार इंजन ऑयल ही है। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं कि कोई ग्रेड चाहिए जैसे कि कार्स में होता है। तो मेरे पास जो भी लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है लास्ट सर्विस से मेरी नानों का, सो मैं वही डाल दूंगा। उसमें डलना भी बहुत थोड़ा सा ही है, कुछ ज़्यादा तो डलना है नहीं। एंड उसके बाद अभी पहले कंडीशन देखते हैं कैसी है कंडीशन, उसके बाद असली कहानी पता चलेगी इसकी। एलन की चाहिए यहाँ पे हमें, एलन की लेट मी सी, ये जाती है, ये परफेक्ट फिट है। ओके, एक मल्टीपर्पज़ टूल का वैसे काफ़ी फ़ायदा है, राइट। सो ये आ गया एलन की, एंड अब ये पहला, देयर वी गो, दैट्स वन, तीन है ये। एंड गाइस इसके अंदर स्प्रिंग है और तीन पिस्टन्स हैं, तो उसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होता है कि वो पिस्टन सही से नहीं लगते हैं। एंड बेयरिंग कवर भी है, शायद कोई बेयरिंग भी है एक, ये टाइट है थोड़ा ज़्यादा। या देयर वी गो, ऑयल अभी से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करते हुए। फर्श पे थोड़ा सा गिरेगा, कोई नहीं, साफ सफाई कर देंगे बाद में। दैट्स टू, एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्री, देयर वी गो। एंड देखो अपना वो थोड़ा सा उठने लग गया है। एंड इसके बाद बड़े ध्यान से खोलना है इसको, बहुत ध्यान से। देयर वी गो गाइस, ऑलराइट गाइस, अब अंदर देखने के लिए आप सब तैयार हो, क्या है इसके अंदर। एंड यहाँ पे ये ना लॉक सिस्टम है इसका, सो ये लॉक सिस्टम, ओके ओके। अंदर तो गाइस ग्रीस ही लग रही है, ऑयल नहीं लग रहा है मुझे, आप नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो आप कुछ। अच्छा हुआ जैसे खोल लिया, ये अब ऐसे रख देते हैं। ये इसके गाइस तीन पिस्टन है, आप लोग नोटिस करो, थोड़ा सा मैं कैमरा और एडजस्ट कर देता हूँ। देयर वी गो, ये तीन पिस्टन्स, स्प्रिंग्स। एंड इसके अंदर गाइस, इसके अंदर ना वो चीज़ भी है, क्या कहते हैं, कोई बेयरिंग्स हैं या फिर एक रिंग्स ही है। सो अब इस ऑयल को इसके ही थके आ रहे कंटेनर में भर देता हूँ मैं। अरे कैसे, बस ये सोचने वाली बात है। क्योंकि थोड़ा सा गिरेगा अदरवाइज, वो मैं चाहता नहीं। या तो मैं कोई कंटेनर लेके आया हूँ बैक, एक कटोरी लेके आया हूँ, और तो कुछ मिला नहीं। सो इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ऐसे। भाई साहब इससे घटिया एक निकले और एक बेयरिंग है नीचे। सो आप लोग कैमरा पे सब मेरे से बेटर देख रहे होंगे। सो इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे गाइस आज। ओए होए, ऑयल की क्वांटिटी गाइस बहुत ही कम है, लेकिन जो इस टाइम कंडीशन है वो बहुत ही वाहियात हो रखी है। तो ये इसके बेयरिंग्स हैं, बेयरिंग है किसी इस साइड से ऐसे डलेंगे ये। इसको मैं भी यहाँ रख रहा हूँ। एंड इसके नीचे का एरिया ये ऐसे तिरछा सा ही होता है क्या, आप नोटिस करो, इट इज़ लिटल तिरछा। यहाँ तो वो गोल घूमता होगा, हाँ तो ऐसे ही होता होगा। सो अभी इसके अंदर एक चीज़ गिर गई है, वो है ये इसका कवर, बेसिकली बेयरिंग कवर। बहुत ही वाहियात कंडीशन है इसके ऑयल की। इसको यहाँ रखते हैं एंड थोड़ा सा और इसे ऐसे रखते हैं एक बार, कि अब तक कुछ और भी निकल जाए। सो ये सारा का सारा का अभी क्लीन करूँगा, उसके बाद ही इसके अंदर दूसरी चीज़ें डलेंगी। ओके सो थोड़ा मैसी जॉब है गाइस, बट अभी तक तो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिली। सो इसको ज़रा मैंने ऐसे क्लीन कर दिया, वैसे सूखे कपड़े से करना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास यही है अवेलेबल, कोई नहीं, इसे सुखा लेते हैं यहाँ पे साइड पे रख के, एकदम क्लीन हो गया। एंड ये भी बेयरिंग्स, ये भी डन। ओके सो मैं एक मैं इसको भी साफ करना ही चाहता हूँ, ऑब्वियसली बात है, गंदा ऑयल जितना कम रहेगा अंदर तो उतना ज़्यादा अच्छा है। सो इसने खोल दिया था इसको भी, आई रियली हैव एन आइडिया इसको खोलना कैसे है, आई थिंक ऐसे घुमा घुमा के खुल रहा है। ओके ऐसे ही आ रहा है गाइस, ये देखो गाइस, ये इसके पिस्टन्स हैं, हाउ क्यूट ना। सो ये ऐसे है, तो इनको भी साफ़ कर करके रखते हैं अलग से, और वो अंदर की जो हाउसिंग है वो भी सारी क्लीन हो जाएगी, तो सबसे बेस्ट है।
मतलब इतने सालों बाद मैं इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ एंड आज इसका ऑयल की हालत देख के लग रहा है कि अच्छा हुआ है ये बहुत सही टाइम पे ये काम हो रहा है, अदरवाइज़ तो इट कैन गेट डैमेज्ड राइट। चलो अभी तो कुछ भी एकदम डैमेज वैमेज कुछ ऐसी सीन नहीं है। ये इसका एक पिस्टन इसी में ऐसे रख देते हैं, बाकी दोनों को भी निकाल लेता हूँ। बस ये सही है एकदम इसका सिस्टम, बस गोल गोल घुमाओ तो बाहर निकल जाता है है ना। कूल, काफ़ी घुमाना पड़ गया इसको तो। ये वाला तो आज का अच्छा, मतलब खींच के ही आ जाएगा ये। अच्छा गोल गोल घुमाने की भी नीड नहीं, खींच के ही बाहर आ रहा है वो। अभी आपको गाइस क्लोजअप भी साइड बाय साइड में दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये गाइस इसके तीन पिस्टन्स, मैं आपको ज़रा क्लोजअप में दिखाना पसंद करूंगा, इन्हें काफ़ी अच्छी हैं। एंड ये इसका अंदर का एरिया, एंड इसमें आप नोटिस करो ये वाला एरिया जो है ये घूमता है एंड बाकी ऐसे ही है स्टेबल। एंड ये इसका बेयरिंग एंड उसके ऊपर बेयरिंग कवर, एंड ये इसका सिलेंडर मान सकते हैं क्योंकि इसी के अंदर से पिस्टन लगे हुए थे। सो अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे देखना चाहता हूँ, बेसिकली ये जो स्क्रूज़ हैं ये खोलें तो अंदर जो मोटर है उसका जो गियर सिस्टम होता है तो वहाँ पर आ सकते हैं। पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक्चुअली ग्रीस है नहीं, अदरवाइज वहाँ पे आप खोल के ना गियर्स को ग्रीस क्लीन करके पुरानी ग्रीस नई भी लगा सकते हो। सो ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, जस्ट इन तीन स्क्रूज़ को ही यहाँ पे खोलना है, नथिंग सो स्पेशल। पर ग्रीस चाहिए उसके लिए। अभी आई हैव, हाँ ऑयल मैं बताऊँ, ये मैंने अपने नानो में यूज़ किया था, पोसीडन XR 10W40 है। ये गैसोलीन, LPG एंड डीजल तीनों के लिए है। सो थोड़ा सा ही इसमें क्वांटिटी चाहिए इसको क्लीन करके। एंड एक ड्राई कपड़ा भी मैं ले आया था यहाँ पे, जिससे कि मैं इसको अच्छी तरह से और क्लीन करके इसमें ऑयल भर के देन ये दोनों पार्ट्स लगा के देन ये सारे लगा के वापस से फिटिंग करते हैं। एक बार ऑन करके देख लेते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। कूल राइट। ज़्यादा लंबे चौड़ी स्टोरी यहाँ तक की तो नहीं है, इससे आगे भी कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है वॉश के थ्रू एंड इट डज वर्क एब्सोल्युटली ग्रेट एक्चुअली, इतने सालों से चल रहा है। एंड अभी ऑयल बदल दूंगा एंड ऑयल की आप कंडीशन एक बार क्लोजअप पे देखो, ये ऑयल है क्या है ये समझ ही नहीं आ रहा। एंड इसको अगर टच करें तो काफ़ी पतला है, इट्स नॉट, इसकी विस्कोसिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। ये देखो क्या है, ये बिल्कुल विस्कोसिटी इसमें बची ही नहीं है। सो और क्लीनिंग एंड फिर काम करो। ऑलराइट, सो गाइस जितना ये क्लीन हो सकता था मैंने इसको कर दिया है। सो अभी मैं इसमें ये बेयरिंग एंड बेयरिंग कवर को लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल भर दूँ जहाँ तक ये बेयरिंग का इलाका आना है, एंड फिर इसके ऊपर बेयरिंग रखूँ एंड फिर उसके ऊपर बेयरिंग का कवर डाल के इसको सील कर देंगे। सो ये मेरा राइमेक्स का पोसीडन ऑयल नैनो में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, तो आई होप कि इसके अंदर भी कुछ वैसा ही चले। सो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसे, वैसे भी यहाँ पे क्वांटिटी ना के बराबर ही चाहिए। सो हैव ए गो। ओए चलो ठीक है, जितना चाहिए था उतना ही गिरा है। क्वांटिटी अभी मेरे पास काफ़ी बची हुई है ऑयल की। सो ये पहली चीज़, कूल 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 कूल। सो इसे घुमा देते हैं एक बारी जिससे कि वो पूरा लुब्रिकेट हो जाएगा अच्छी तरीके से राइट। एंड देन ये इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं जो अपने फिंगर पे ऑयल आया है, एंड फिर इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं एंड ये फिर ऐसे है ना एकदम कूल। अब बस इसको करीब 80% भरेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है पिस्टन से भी अंदर जाना है तो थोड़ा सा स्पेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। सो और भी ज़्यादा ध्यान से भरना है इसको 80% तक। एंड क्वान्टिटी बहुत ही कम है, हार्डली 100 ml भी नहीं लग रही मुझे तो ये। दैट शुड डू इट। थोड़ी सी और डाल देते हैं। बस आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा, क्या कहते हो? या फिर एक चिंटू मिंटू से और डाल देते हैं। बस देयर वी गो गाइस, ये हो गया अपना ऑयल। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, ऑयल तो हमने भर दिया इसके अंदर। अब हमारे जो ये पिस्टन्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, इनको सूखे कपड़े से एक बार अच्छे तरह से पोंछ के पिस्टन में डाल देते हैं एंड फिटिंग का काम शुरू कर देते हैं। सो ये जैसे कि एक हो गया एंड यहाँ पे ये एक स्प्रिंग रख दिया मैंने एंड उसके ऊपर ये लगा दिया एक पिस्टन है ना। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मैंने कौन से में से कौन सा डाला था। आराम से जिससे कि आपको व्यू मिलता रहे। देयर वी गो। पहली बार कर रहा हूँ ये काम तो एक्चुअल में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है एंड अब लग रहा है कि प्रेशर वॉशर थोड़ा और अच्छी तरीके से वर्क करेगा। सो जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि बार बार तो चीज़ें खरीदी जाती नहीं है एंड दिस इज़ नॉट एन चीप वन। मेरे उस टाइम पे 10 grand के आसपास लगे थे, बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। एक तो इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है, दूसरा पावर परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस एंड नॉइस लेवल्स भी ठीक हैं,
है तो लाउड ही, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड स्प्रिंग आई होप मैंने एकदम सही तरीके से रखे हों इसमें। देयर वी गो, एंड ये फाइनल अपना पिस्टन इसको अच्छी तरह से पहुंच लिया है, एंड ये यहाँ पे हो गया फिट फिट फिट। ठीक है गाइस, अब इसको बस बंद करना है एंड हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। सो ये अब एग्जैक्टली ये लॉक्स है ना, इसके लॉक्स के आसपास से ही इसको लेके जाना है। एंड ओके, सो ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इसको, पुश करना इज़ नॉट ईजी एक्चुअली, कि जब मुझे इसे ढंग से पकड़ना भी पड़ेगा। नीचे बैठ के का जोर ही नहीं लग रहा था, तो ऊपर आराम से इसको खड़े होके किया तो 1 सेकेंड में ही ये फिट हो गया। सो ये देखो इसके लॉक लग गए हैं, अब बस जो इसके 3 स्क्रूज हैं एलन की वाले वो लगाने हैं, हमारा काम ऑलमोस्ट फिनिश। सो बस गाइस यही था इसका प्रोसेस, एंड बस इसको इसकी बॉडी के अंदर, इसके हाउसिंग के अंदर इसको फिट कर देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। एंड उसके बाद गाइस इसको वॉल आउटलेट पर लगा के एक बारी ऑन करने का ट्राई करते हैं, एंड फिंगर्स क्रॉस कि ये सही से ऑन हो जाए। ऊपर से भी ऊपर गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कंसीडर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच। आपका मैं कमेंट्स में वेट कर रहा हूँ।